हेलो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम समझेंगे कि रिच और पुअर के बीच में क्या डिफरेंस होता है। जो डिफरेंस मैं आपको बताऊंगा बिल्कुल नए डिफरेंसेस हैं, अलग तरीके के डिफरेंसेस हैं, और जब आप उनको समझेंगे स्टेप बाय स्टेप आप रिच बनने की प्रोसेस पे काम कर सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं क्या डिफरेंस होते हैं रिच और पुअर के बीच में। देखिए, ज्यादातर लोगों के लिए रिच का मतलब होता है द वन हु इज हैविंग फैट बैंक अकाउंट, मतलब जिसके बैंक अकाउंट में ज्यादा पैसे हैं वो एक रिच इंसान है। लेकिन ये परिभाषा गलत है। सिर्फ बैंक अकाउंट में पैसे होने का मतलब रिच होना नहीं होता है, और यही बात हमें समझनी है। तो इस बात को अपने दिमाग से निकाल लीजिए। अगर आपके पास बहुत सारे पैसे नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप रिच नहीं हो। चलिए समझते हैं क्या होता है रिच और क्या होता है पुअर। चलिए देखते हैं, एक तरफ हम रखते हैं पुअर को और एक तरफ हम रखते हैं रिच को। अब एक एक करके इन सारे सारे डिफरेंसेस को बहुत ध्यान से समझना और आप खुद आइडेंटिफाई करना आप कहां पर हो। पुअर लोग, दे हैव स्कैरसिटी माइंडसेट। स्कैरसिटी माइंडसेट का मतलब क्या होता है? दे कीप ऑन ब्लेमिंग अदर्स। अरे कोरोना आ गया, मेरी जॉब चली गई, मेरे पास पैसे की कमी हो गई, मेरे पेरेंट्स मुझे सपोर्ट नहीं करते, मेरे फैमिली मेंबर्स मुझे सपोर्ट नहीं करते, मेरे पड़ोसी मुझे सपोर्ट नहीं करते। दे विल फाइंड प्रॉब्लम इन एवरी सिचुएशन, दे विल कीप ऑन ब्लेमिंग अदर्स। जबकि रिच लोग, दे हैव अबंडेंस माइंडसेट। अबंडेंस माइंडसेट मींस, अरे कोरोना आ गया, कोई बात नहीं है, जॉब चली गई, कोई बात नहीं है, अब मैं क्या कर सकता हूं, क्या अपॉर्चुनिटी ढूंढूं इस प्रॉब्लम में भी, इस चैलेंज में भी अपने लिए। मुझे एक सब्जी वाला मिला, जो सब्जी वाला मोमोज की दुकान चलाता था। जब कोरोना आया, ही स्टार्टेड सेलिंग वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। दिस इज कॉल्ड अबंडेंस माइंडसेट। चैलेंज आ गया, अब क्या कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं। जीएसटी आ गया, स्कैरसिटी माइंडसेट, पीपल विल कीप ऑन क्राइंग, अरे जीएसटी लगा दिया सरकार ने, जीएसटी लगा दिया। अबंडेंस माइंडसेट वाला इंसान सोचेगा कि अब इस रूल को फॉलो करते हुए और क्या अपॉर्चुनिटीज मैं क्रिएट कर सकता हूं। दिस इज व्हाट इज फर्स्ट डिफरेंस बिटवीन पुअर एंड रिच। पुअर पीपल, दे हैव बजट प्लानिंग। कितना महीने का कमाते हैं और उसको सारा का सारा खर्चों के लिए बुक कर देते हैं। This is the simple definition of budget planning. जबकि rich लोग, they have financial planning. जब उनके पास एक set of income आती है, उसको वो properly खर्चों के लिए book करते हैं और अपने investment के लिए book करते हैं, अपने बच्चों की education के लिए book करते हैं, उनकी शादी के लिए book करते हैं और अपने retirement को plan करते हैं। They have financial planning. So you check. आप बजट प्लानिंग करते हो या फाइनेंशियल प्लानिंग करते हो। द थर्ड डिफरेंस, पुअर लोग हमेशा एक सोर्स ऑफ इनकम पे डिपेंड रहते हैं। और सोचिए, अगर आप सिर्फ एक सोर्स ऑफ इनकम पे डिपेंड करते हो और खुदा ना खास्ता वो बंद हो जाए तो क्या होगा। जबकि रिच लोग मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट करके रखते हैं, उनके पास एक से ज्यादा सोर्सेस होते हैं इनकम के। अगर कभी एक प्रॉब्लम हो गई तो दूसरे सोर्स से वो अपने रेवेन्यूज जनरेट कर लेते हैं, मैनेज कर लेते हैं, तीसरे से कर लेते हैं, चौथे से कर लेते हैं। दे हैव मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम। वो अपनी इनकम को इस तरह से इन्वेस्ट करके रखते हैं कि वो एक सोर्स ऑफ इनकम पे कभी भी डिपेंड ही रहते। द फोर्थ डिफरेंस इज, पुअर पीपल हैव नो गोल्स इन देयर लाइफ। वो कहते हैं काम बता दो कर देंगे, थैंक यू वेरी मच, एंड दे एंजॉय देयर लाइफ। जबकि रिच लोग, They are goal driven. उनके पास गोल्स होते हैं और वो अपने गोल्स पे पूरे कमिटमेंट के साथ काम करते हैं। क्या आपके पास आपकी गोल की लिस्ट है? अगर नहीं है, you are not rich, even if you are having lot of money in your bank account. Believe me. So check whether you are goal driven or you are least bothered about your goals in your life. The next difference is, poor लोग कर्ज लेते हैं कंजम्पशन के लिए। उधार लिया फ्रिज खरीद दिया, उधार लिया टीवी खरीद दी, उधार लिया घर बना दिया, उधार लिया कार खरीद दी। वो लोन लेते हैं, ईएमआई पे करते हैं
मोबाइल के लिए, जबकि रिच लोग दे टेक लोन, दे टेक डेब्ट फॉर इन्वेस्टमेंट, और उस इन्वेस्टमेंट से जो प्रॉफिट आता है, जो अर्निंग्स होती हैं, उससे वो अपने लिए लग्जरी खरीदते हैं। सो वो कभी भी लोन के पैसे को कंजम्पशन पे इन्वेस्ट नहीं करते, उनके पास वो सोर्सेज होते हैं इन्वेस्ट करने के लिए, जहां से उनको और रेवेन्यू जनरेट होता जाता है, वहां पर वो उस पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, लगाते हैं। मैं आपको एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। आपने दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर मिस्टर वॉरेन बुफे के नाम जरूर सुना होगा। वॉरेन बुफे के पास $20 का एक मोबाइल फोन था, जो रिसेंटली ही उन्होंने चेंज किया है। उनके जैसे मल्टी बिलियनियर इंसान, जिसका एप्पल कंपनी में 5.5% शेयर है, 5.5% शेयर आपको लगता होगा बहुत कम है, जी नहीं, इसकी कीमत लगभग $72 बिलियन है। उनके 5.5% स्टेक की कीमत $72 बिलियन है, और वो $20 का फोन यूज कर रहे थे। दिस इज व्हाट मेक्स हिम अ रिच पर्सन। तो आप अपने मोबाइल पे कितना इन्वेस्ट करते हो? क्या आपने EMI से अपना मोबाइल खरीदा है? दिस इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिच एंड पुअर। और इन सारी की सारी आदतों को आप बदलिए। लेफ्ट हैंड साइड में जो चीजें हैं उनको किक आउट करिए, राइट हैंड साइड की चीजों पे मूव करिए, एंड योर लाइफ विल ट्रांसफॉर्म, इवन इफ यू आर नॉट हैविंग लॉट ऑफ मनी इन योर बैंक अकाउंट, बिलीव मी इट हैपेंस। सो स्टे ट्यून्ड एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल, बिकॉज आई एम ब्रिंगिंग मोर गोल्डन नगेट्स ऑफ विजडम फॉर ऑल ऑफ यू। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ ब्राइट फ्यूचर।